हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या भैया ऐसा उनके बना रखा है? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे यार। तो वेलकम है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। तो आज है डेट, मैं आपको दिखा देता हूँ, दशहरा है आज, 24th of October है। तो आज है दशहरा। भाई साहब क्या करके पीछे रुको, एक सेकेंड रुको मेरे को देव। तो आज है दशहरा, ठीक 2 साल बाद, यानी 2 साल पहले 2021 में हम ग्राउंड में गए थे, मैं और मेरा दोस्त ध्रुव बंसल। तो आज भी फाइनली हम जा रहे हैं। पिछली बार गए थे, पता नहीं क्या हुआ, तो 2 साल पहले का व्लॉग मैं नीचे डाल दूँगा, आपको देख सकते हैं 2021 में। तो अभी हम प्लान वगैरह बन रहा है जाने का शाम को। अभी मेरे को काम वगैरह है, अभी 12:30 के आसपास मेरा टाइम हो गया है। तो अपना चलते हैं और फिर अपना आगे का दिखाता हूँ मैं, कैसे क्या है। आज दशहरा वगैरह भी दिखाऊंगा मैं आपको, फाइनली कैसे सेलिब्रेशन वगैरह होता है। बाकी ये रूम वगैरह मैंने ब्लॉग बना दिया काफ़ी, अब तो मैं घर पर रह के बिल्कुल कम ब्लॉग बनाने लग गया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ मेरे को काम वगैरह थे और भी कुछ प्लानिंग वगैरह चल रही है, तो उसकी तैयारी में मैं बिजी था। तो अभी चलिए, अभी चलता हूँ, दिखाता हूँ आगे कैसे क्या हमारा डे रहता है। यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, ये भाई साहब देखो क्या हरकतें करते रहते हैं। अरे अरे डुगू ऐसे नहीं पहनना होता, चलो मैं पहनाता हूँ आपको। ऐसे करो, इसको ऐसे करो और इसको, ओ तोड़ दिया, ओ डुगू ऐसे ही। तो ये हमारे बच्चा खेलता रहता है यहाँ पे सारे दिन, वो खाना वगैरह है वो दे के आते हैं, मम्मा अभी साइड है उसमें बैठी हुई है। तो चलो अभी चलते हैं और फिर दोबारा से गिराएंगे भाई साहब। नहीं नहीं गिराना सुगु, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, देखो यहाँ पे ऐसे बाय कर दो। वन और चलते हैं अपना, और आगे फिर मैं मंदिर वगैरह में भी जाना है आज मेरे को, शाम को भी है अपना प्लान। तो अभी निकलते हैं, टाइम हो गया और फिर मैं भाई साहब तो ऐसे ही खेलते रहेंगे यहाँ पे। तो चलो अभी निकलते हैं और फिर मैं आगे मिलता हूँ कैसे क्या है। तो गाइज़ फाइनली अभी मार्च को यहाँ पे देख सकते हो, रावण है और ये उनके जो दो बेटे हैं वो हैं। तो यहाँ पे अभी इनका जो है वो तैयारी वगैरह चल रही है रावण दहन की, और ये मेघनाथ और कुंभकर्ण है दोनों। तो यहाँ पे इनकी तैयारी वगैरह चल रही है, यहाँ पे सारे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कोई पूजा वगैरह कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा माहौल था यार, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा ग्राउंड था यहाँ पे आसपास, उस साइड मार्केट वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ पे भी मैं लेके चलूँगा आपको, तो वेट करो जस्ट थोड़ी सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पे मैं सोचा शूट वगैरह कर लेते, बाहर से भी लोग आए हुए थे देखने। सिक्योरिटी वगैरह थी इसकी काफ़ी अच्छी थी, और राउंड वगैरह अच्छे लग रहे थे यार, ये सब पटाखे वगैरह डाल रखे थे इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा था यार। अभी फिर मैं आपको ना, चलो अभी मैं आपको मार्केट लेके चलता हूँ, मार्केट वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे, जो मेला होता है ना वो। तो देख सकते हो यहाँ पे सारे खाने पीने की चीज़ें वगैरह लगी हुई थी, मैं ये वीडियो वगैरह मैं ही शूट कर रहा था यहाँ पे। तो ए टू जेड चीज़ थी खाने पीने की, आप जो चाहो वो खा सकते हो, जैसे भेलपूरी सेवपूरी वाला आ गया, आइसक्रीम है, फिर गोलगप्पे हैं, फास्ट फूड है अपना, और जैसे खिलौने वगैरह लेने हों तो वो भी हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है यार। तो गाइज ये तो थी मार्केट, तो अभी आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कैसे क्या हुआ, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किया। तो चलो अभी आगे चलते हैं और आप ये देख सकते हो मार्केट काफ़ी अच्छी है। गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो हम रावण दहन देखने आ गए यहाँ पे, तो ये अपना डेकोरेट वगैरह के लिए जो पटाखे वगैरह हैं वो जला रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल मत जाओ भाई साहब, इतनी खतरनाक वाली भीड़ थी क्या बताऊँ मैं आपको। तो मैं देख लो यहाँ पे लाइन में खड़ा हुआ, फ़ोन बिल्कुल ऊपर करके, पैर ऊपर करके कर रहा। तो कोई नहीं, अभी आप जो है रावण दहन वो देखो, फिर मैं मिलता हूँ। अभी हम यहाँ पे जो है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है फिश मसाज करवाई है अपनी, मछली वगैरह लगी है पाव के। तो देख सकते हैं ये भी यूनिक एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे। सो गाइज कल जो हम वो दशहरा वगैरह देख के अपना रात को घर पे आ गया था। तो अभी इस ब्लॉग की मैं एंड वगैरह कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा खाटू श्याम जी, आई होप। तो
नेक्स्ट व्लॉग में खाटू श्याम जी, अभी टाइम हो रहा है अपना, शायद टाइम क्या हो गया अपना 2:25 हो गए, तो अभी मेरी शाम की ट्रेन है रिंगस के लिए, वहाँ से आके देखते हैं कैसे क्या चलते हैं। तो मैंने रिजर्वेशन वगैरह करवा लिया था, टिकट कन्फर्म हो चुके हैं, चार्ट भी प्रिपेयर हो चुका है मेरे पास, अभी मैसेज आ गया है। तो कोई नहीं, अपना देखते हैं कैसा क्या रहता है आगे, जरूर देखना आने वाले टाइम में। आपके लिए और भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बना रहा हूँ, और अगर आपको जैसे लाइव अपडेट चाहिए तो यहाँ पे मेरा देख सकते हो, इंस्टाग्राम का अकाउंट दिख रहा है आपको, या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर रियल टाइम में अगर आपको देखना अपडेट वगैरह, तो रियल टाइम में मैं इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ। तो ये था यार कुछ व्लॉग अपना दशहरे वगैरह का, तो आई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमने हाँ जो फिश मसाज थी वो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी लगी यार, हर कोई सूट नहीं करेगी क्योंकि ओबेसी बात है यार, कोई डरता भी है। तो एक बारी तो मेरे को भी ऐसा लगा कि करूँ या नहीं करूँ, तो फिर मैं सोचा कोई नहीं चलो करते हैं, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा रहा, इतना कुछ वो था नहीं, अपने जैसे गुदगुदी थोड़ी थोड़ी होती रही, बाकी पता ही नहीं लगा। 15 मिनट जो है पाव जो है उसके अंदर डाले मैंने, जो अपना क्या बोलते हैं क्यूब के अंदर, ग्लास वाले के अंदर फीसी वगैरह ने मसाज की 15 मिनट तक, तो काफ़ी अच्छा रहा यार। मैं भी बोलूँगा आपको, अगर लाइफ में आपको मौका मिले तो ज़रूर करना, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ट्राई करो लाइफ में। तो कोई नहीं, मेरा तो ये था, आपने देख लिया, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।